अभी हाल ही में एक महिला मेरे पास आई थी जो कि तकरीबन 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी ट्विन प्रेगनेंसी थी और उसका हीमोग्लोबिन था 8 ग्राम, और ये 8 ग्राम हीमोग्लोबिन भी 2 ब्लड चढ़ाने के बाद था। उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 15 दिन पहले उसका ब्लड 6 ग्राम था। तो इसमें मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि अगर अभी आपके डिलीवरी में 15 दिन या 1 महीना या 1.5 महीने का समय बाकी है और हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। उदयस हेल्थ केयर में मैं हूँ डॉक्टर सोनल, और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूँ जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में IDA कहा जाता है। और आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि तकरीबन 40% से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जाता है, 45% से ज़्यादा बच्चों में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जाता है, और तकरीबन 32% नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पाया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आयरन क्या होता है, हमारी बॉडी में आयरन का क्या रोल होता है, और आयरन को लेने के लिए हमें कौन कौन से डाइटरी सोर्सेज का ध्यान रखना चाहिए, कौन से तरीके हैं आयरन डिफिशियंसी को ठीक करने के लिए, और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं या कौन से साइड इफेक्ट्स होते हैं जो कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की वजह से हो सकते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन या लोह तत्व के बारे में। लोह तत्व एक ऐसा मिनरल है जिसको कि इसका केमिकल फॉर्मुलेशन होता है Fe। लौह तत्व हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये हमारे शरीर के बहुत सारे एंजाइम्स की फंक्शनिंग में आयरन का रोल होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्लड में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसमें एक पिगमेंट होता है जिसको कि हीम कहते हैं, और हीम के फॉर्मेशन में आयरन का बहुत बड़ा रोल होता है। और तकरीबन हर व्यक्ति के शरीर में 3 से 4 ग्राम आयरन पाया जाता है। तो आयरन का जो रोल होता है हमारी बॉडी में, वो एंजाइम्स की एक्टिविटी के साथ साथ ब्लड के जो फॉर्मेशन है उसमें उसका रोल होता है। और हमारे वेजिटेरियन डाइट्स में, जो हिंदुस्तान में हम लोग ज़्यादातर वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, उसमें आयरन की डिफिशियंसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके अलावा वे लोग जो कि नॉन वेज फूड लेते हैं उनमें वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से आयरन की डिफिशियंसी हो सकती है। इसके अलावा वे लोग जो बिना फुटवेयर के खेतों में जाते हैं उनमें वर्म इन्फेस्टेशन की वजह से, जिसको कि हुक वर्म कहते हैं, उसकी वजह से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा वे लोग जिनमें कि क्रॉनिक ब्लड लॉस होता है, जैसे कि महिलाएं जिनके कि पीरियड्स हेवी आते हैं, या फिर वे लोग जिनको कि ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत है, कभी कभी आमाशय या स्टमक की जो झिल्ली होती है उसमें कुछ अल्सर्स होने की वजह से भी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होने की शिकायत होती है। तो इसलिए ये सारे कॉमन रीजंस हैं जहाँ पर कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया होती है। इसके अलावा वे बच्चे जिनकी मदर्स को आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है, तो जो बच्चे उनसे पैदा होते हैं उनमें भी आयरन की डिफिशियंसी होती है, और वो भी एनीमिक होते हैं बच्चे, और ऐसे बच्चों का विकास जो होता है वो नॉर्मल बच्चों के तुलना में कम रहता है। उनके जो शारीरिक और मानसिक क्षमताएँ होती है उन पर आयरन का बुरा असर पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर हम अपने डाइट में आयरन को बढ़ा सकते हैं। बहुत सारी हरी सब्जियाँ होती हैं जिसमें कि आयरन ज़्यादा होता है। इसके अलावा बहुत सारे नट्स होते हैं, जैसे कि पीनट्स या आलमंड्स या वॉलनट्स, इनमें भी आयरन की अच्छी मात्रा होती है। लेकिन एक बात जो यहाँ ध्यान रखने की है वो ये है कि वेजिटेरियन सोर्सेज में जो भी आयरन होता है उसमें साथ में फाइटेट्स, टैनिन्स, इस तरीके के तत्व होते हैं जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन को डिले करते हैं या कम करते हैं। तो ऐसे केसेस में बहुत बार ये होता है कि आप डाइट में आयरन ले रहे हैं लेकिन वो आपके इंटेस्टाइन से बाहर निकल जा रहा है और आपके बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आयरन डिफिशियंसी एनीमिया काफ़ी हद तक देखी जाती है। तो ऐसे केसेस जहां पर कि आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जैसे कि छोटे बच्चे हैं जिनकी की ग्रोथ अभी हो रही है, या फिर गर्भवती महिलाएं हैं, या फिर वे महिलाएं हैं जिनको कि हेवी पीरियड्स की शिकायत हो रही है, ऐसे केसेस में ज़रूर आयरन के सप्लीमेंटेशन देने की ज़रूरत होती है। तो आयरन सप्लीमेंटेशन देने के जो तरीके हैं वो 2 मुख्य तरीके हैं। एक तो ओरल फॉर्म में हम आयरन दे सकते हैं टैबलेट्स की शक्ल में, दूसरा हम इंजेक्टेबल फॉर्म्स में दे सकते हैं। इंजेक्टेबल फॉर्म पहले कुछ समय पहले तक, 10 से 15 साल पहले तक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ज़्यादा प्रेवलेंट हुआ करते थे, लेकिन आजकल अच्छी टेक्नोलॉजी के चलते इंट्रावीनस आयरन प्रिपरेशन आ गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को काउंटर करने के लिए हेल्पफुल होती हैं।
पर सबसे पहले बात करते हैं आयरन टैबलेट्स के बारे में। आयरन टैबलेट्स के कई सारे सॉल्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट सप्लाई में अवेलेबल होते हैं। फेरस सल्फेट के सॉल्ट्स होते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे और इफेक्टिव होते हैं और गवर्नमेंट सप्लाई में एकदम फ्री में अवेलेबल होते हैं। बहुत बार महिलाओं के दिमाग में ये मिथ होता है कि गवर्नमेंट सप्लाई में है तो ये शायद अच्छी क्वालिटी का नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको फ्री में मिलने वाली बहुत ही बेहतरीन दवाई है जिसका कि आपको प्रयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हाल ही में एक महिला मेरे पास आई थी जो कि तकरीबन 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसकी ट्विन प्रेगनेंसी थी और उसका हीमोग्लोबिन था 8 ग्राम, और ये 8 ग्राम हीमोग्लोबिन भी 2 ब्लड चढ़ाने के बाद था। उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 15 दिन पहले उसका ब्लड 6 ग्राम था। तो इस पे मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि अगर अभी आपके डिलीवरी में 15 दिन या 1 महीना या 1.5 महीने का समय बाकी है और अगर आपको आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का पता चलता है तो ऐसे केसेस में आप इंजेक्टेबल आयरन लेकर अपनी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को करेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे केसेस में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का कोई भी रोल नहीं होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन को उन जगहों के लिए संभाल के रखना चाहिए जहाँ पर कि ब्लड लॉस हो रहा है और जहाँ पर कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। तो आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा वाइटल है, न सिर्फ ब्लड के फॉर्मेशन के लिए बाकी बहुत सारी अन्य एक्टिविटीज़ के लिए भी। इसको देने के 2 मुख्य तरीके हैं, टैबलेट्स और इंजेक्टेबल्स। जो लोग टैबलेट्स को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं या जहाँ पर ब्लड लॉस ज़्यादा हो चुका है या खून की कमी ज़्यादा है, ऐसे केसेस में इंजेक्टेबल्स दिए जाते हैं। इंजेक्टेबल्स आजकल बहुत ही अच्छी क्वालिटी के अवेलेबल हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह कीजिए, अपनी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को डायग्नोज कराइए, पूरा ट्रीटमेंट लीजिए, जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।